हे गाइस, वेलकम बैक टू द प्रिंसेस विद लाइफस्टाइल चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जॉय स्क्रब का रिव्यू। तो गाइस, ये देखिए जॉय का ये स्क्रब है और ये स्किन फ्रूट स्क्रब है, जेंटल एक्सपोर्टिंग एप्रिशिएट स्क्रब। सो गाइस, ये जो स्क्रब है ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है और मैं इसे 3 से 4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये मिनी पैक है। और गाइस, इसका जो प्राइस है वो ओनली 30 रुपीज़ है और काफ़ी अच्छा स्क्रब है, अफोर्डेबल भी है। आप छोटा पैक भी ले सकते हैं और बड़ा भी आता है इसके, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप इस तरीके का ले सकते हैं। ये मैंने मिनी पैक लिया है और काफ़ी अच्छा स्क्रब है। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हमारे फेस के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार हमें अपना फेस स्क्रब करना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट स्क्रबिंग हमारे फेस के जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं और उनकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम जैसे कि मुहासे हो गए, डेड स्किन हो गई और रिंकल्स वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइस, ये जो स्क्रब है वो मैं 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, स्क्रबिंग से पहले सबसे पहले हमें फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है किसी फेश वॉश से, तो मैं क्लीन एंड क्लियर का फेश वॉश यूज़ करती हूँ। सो गाइस, उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस, इस स्क्रब के अंदर विटामिन सी और ए भरपूर मात्रा में है और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अच्छा स्क्रब है ये और हमारे डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है, हमारे डैमेज स्किन को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की। तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है, थिक है और काफ़ी हल्का सा ये दरदरा सा है। और अगर हम इसे अपने फेस पे रगड़ते हैं तो ये हमारे फेस की जो रोम छिद्र हैं उनको अच्छे से खोल देता है। सो गाइस, ये स्क्रब तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप भी इसे एक बार यूज़ में ले सकते हैं। सो गाइस, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।